मंच पर उपस्थित श्रद्धेय संत समाज, अभी जिनके विचार आप लोग सुन रहे थे, कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद से पधारे हुए परम श्रद्धेय संत श्री रामेश्वर साहेब जी के विचार अभी आप लोग सुन रहे थे कि सत्संग में हम जाते हैं, शब्दों को सुनते हैं, उस शब्द का असर हमारे जीवन में क्यों नहीं पड़ता है। इसी क्रम में मैं कुछ निवेदन आप लोगों को करूं। सत्संग में हम जाते हैं, शब्दों को सुनते हैं, शास्त्रों में शब्दों को ब्रह्म कहा गया, व्याकरण शास्त्र में शब्द को स्फोट कहा गया, बहुत सारी महिमा शब्दों की गाई गई शास्त्रों में। व्याकरण महाभाष्य में कहा कि एकः शब्दः सम्यक् प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। शब्दों का प्रयोग बहुत संभल करके करना चाहिए, क्योंकि शब्द को अगर शब्दों को सही ढंग से हम समझ लें तो शायद हमारा कल्याण हो जाए। तो सत्संग में हम आते हैं, संतों की वाणी को सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, हमारा जीवन बदलता क्यों नहीं है, कहीं ना कहीं हम भूल करते हैं। सत्संग में आने वाले व्यक्ति की कुछ योग्यता निर्धारित की सद्गुरु कबीर देव ने, कहा कि तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होय। कहा कि सत्संग में जा रहे हो, सत्संग का परिणाम अगर आप अपने जीवन में चाहते हो, जिस अवस्था विशेष को लेकर के अभी हम सत्संग में जा रहे हैं, उस अवस्था विशेष से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि सत्संग वो स्थल है जहां जाने के बाद जीवन के गूढ़ रहस्यों को संत बहुत सरल और सहज ढंग से समझा देते हैं, और उस स्थल पर हम जाते हैं इतने असावधानी पूर्ण स्थिति में। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, परम आराध्य परम पूज गुरुदेव जी भी थे और मैं भी था, परम पूज गुरुदेव जी मंच पर बैठे हुए थे, मैं प्रवचन कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा सा आदमी आगे बैठा था सत्संग पंडाल में, और बैठे बैठे वो खैनी भी लटा रहा था, और खैनी लटा करके एक बार में पूरा खैनी खा गया और हाथ झाड़ करके फिर वहीं बैठ गया। तो ये अवस्था सत्संग में बैठने की नहीं है। जिस जगह आप आए हो वो बहुत उच्च स्थिति है, यहाँ आदमी के जीवन में अनायास ही ज्ञान उतरता है, आदमी के जीवन का दुर्बोध अनायास ही मिट जाता है। उस जगह आप आए हो, उस बात को सुनने के लिए आए हो, तो उपनिषद के ऋषि ने कहा कि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासी तव्यश्च। पहले हम सुने, और सुने कैसे, महापुरुषों को कैसे सुने, विचार पूर्वक सुने, समझदारी पूर्वक सुने। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, संतों को सुनते हैं, लेकिन विचार पूर्वक नहीं सुनते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, जिसके कारण हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता है। नीतिविद ने बड़ा ही अच्छा कहा कि यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, का जिस व्यक्ति के पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, जिस व्यक्ति के पास स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं है, यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम करोति किम, वो व्यक्ति अगर शास्त्र को भी पढ़ता है तो उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। ठीक वैसे ही लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को आप दर्पण के सामने रख दें, खड़ा कर दें, तो वो व्यक्ति अपना रूप नहीं देख सकता है। ठीक उसी प्रकार से विचारहीन व्यक्ति सत्संग में भी जाकर के उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है, उसके जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है। सबसे पहले हमको विचार करना चाहिए, संतों के वाक्य को हम सुनें,
इसलिए तो ऋषि ने कहा कि श्रोतव्य सुनो, सुन करके उस पर विचार करो, चिंतन करो। जिस दिन तुम पात्र हो जाओगे और विचार करोगे, कब विचार आदमी तब करेगा जब आदमी अधिकारी होगा। वेदांत शास्त्र में किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का सबसे पहले अधिकारी बताया कि कौन अधिकारी हो सकता है। अनुबंध चतुष्टय की कल्पना की गई वेदांत शास्त्र में, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। सबसे पहले कि ज्ञान का अधिकारी कौन है, कभी आपने विचार किया कि जिस सत्संग में आप जा रहे हैं वो सत्संग का अधिकारी कौन है? अधिकारी, अधिकारी का अर्थ है कि वो अधिकारी है कि नहीं, ज्ञान का अधिकारी है कि नहीं। अनाधिकार व्यक्ति को अगर ज्ञान मिलता है तो उसका आदमी दुरुपयोग करता है। अनाधिकार व्यक्ति के पास अगर ज्ञान आ भी जाता है तो उसका वो दुरुपयोग करता है। नीतिविद ने बड़ा ही अच्छा कहा कि विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च परिरक्षणाय। कहा गलत व्यक्ति के पास अगर विद्या आ जाए तो विवाद का कारण बनती है। आप कभी बनारस चले जाएं या कहीं और चले जाएं तो वहाँ एक वितंडावाद है, वितंडिक लोग रहते हैं। वो क्या करते हैं, उसका कोई अपना सिद्धांत नहीं होता, लेकिन आगे वाला जो कहता है उसका वो खंडन करते चला जाता है। गांव में भी ऐसे लोग हैं जो केवल दूसरे को लड़ाने का काम करता है। विद्या है, उस विद्या का प्रयोग किस लिए करता है कि समाज को लड़ाने के लिए, समाज को फोड़ने के लिए। अनाधिकार व्यक्ति के पास विद्या आती है तो उस विद्या का प्रयोग वो समाज को लड़ाने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए करता है। और जब अधिकारी व्यक्ति के पास विद्या आती है तो उस विद्या का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए, लोक हित के लिए करता है। आप अधिकारी तो बन जाएं, सत्संग से आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। अरे जीवन भर हम सत्संग करते हैं लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, क्यों? कभी आपने विचार किया? रत्नाकर के जीवन में एक क्षण का सत्संग परिवर्तन ला दिया, और आप जीवन भर सत्संग करते हैं लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। वही रत्नाकर जो वाल्मीकि बन गया, जो लोगों को मारता था, काटता था, लोगों की हत्या करता था, लोगों को लूटता था, वही रत्नाकर जब एक दिन एक क्षण के सत्संग से उसके जीवन में परिवर्तन आता है, और वही रत्नाकर वाल्मीकि जब बन जाता है तो एक जो आप लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण का जो पहला श्लोक है, आदि महाकाव्य जिसको रामायण को कहा जाता है, उस रामायण का जो पहला श्लोक है कि यत क्रौंच मेथुना देख मवधि काम मोहिता मां निशा प्रतिष्ठा तमगमह शाश्वती समाह यत क्रौंच मेथुना देख मवधि काम मोहिता। वो वाल्मीकि रत्नाकर जो लोगों को लूटता था, मारता था, काटता था, एक क्षण के सत्संग का परिणाम है कि क्रौंच और क्रौंची पक्षी जब आपस में संसर्ग कर रहे थे उसी समय एक व्याधा तीर मारता है, और तीर मारने के बाद क्रौंच पक्षी तो मर जाता है और क्रौंची बच जाती है। उस स्थिति को देख करके वाल्मीकि के भीतर से सहसा ये श्लोक निकलता है कि मां निशा प्रतिष्ठा तमगमह शाश्वती समा, अनंत काल तक तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठा ना हो, अनंत काल तक तुम दुख भोगो, अनंत काल तक तुम पीड़ा भोगो, क्योंकि तुमने एक क्रौंच पक्षी को मार दिया। जो दूसरों की हत्या करते हुए जिसका दिल पसीजता नहीं था, वही वाल्मीकि आज द्रवीभूत होकर के ऐसे शब्द क्यों कह रहे हैं? एक क्षण का सत्संग उसके जीवन में परिवर्तन ला दिया। और हम लोग जीवन भर सत्संग करते हैं लेकिन काम क्या करते हैं? वही बीड़ी सिगरेट पीना, वही तंबाकू गोराकू खाना, वही मांस मछली खाना, सत्संग में से जा करके हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, बदलाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम पात्र नहीं है। जिस दिन हम पात्र हो जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में ज्ञान सहज ही उतर जाएगा, उस दिन सत्संग को सहज ही हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे। एक छोटी सी घटना कह करके मैं अपनी बातों को विराम दूंगा कि पात्र जब व्यक्ति होता है, जब योग्य व्यक्ति होता है,
तो उसके जीवन में, अधिकारी व्यक्ति के जीवन में कैसे ज्ञान उतरता है। आज अधिकारी नहीं है हम अपने आप को अधिकारी बनाए, और जिस दिन अधिकारी बना लेंगे यकीन मानिए कि सत्संग का असर होगा। इतने सत्संग मंच लग रहे हैं, इतने भागवत की कथा हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज आदमी इतना बहसी दानव होता चला जा रहा है। उसके मूल में कारण क्या है कि ज्ञान तो हम सुनते हैं, इधर से सुन करके उधर से निकाल देते हैं कि श्रोतव्य सुनो। सुनने का भी एक ढंग है, जब आप सुनोगे, जब आप उस पर विचार करोगे, चिंतन करोगे, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यश्च, फिर उस पर निधिध्यासन करो, उसको अपने जीवन में धारण करो। आज तो आदमी सुनना नहीं चाहता है, और सुन भी लेता है तो उसको उधर से बाहर निकाल देता है। तो मैंने कहा कि पात्र, जब योग्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि अवस्था विशेष आने पर ही योग्यता आती है। योग्य कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी योग्य हो सकता है, अवस्था विशेष का भेद नहीं है। बड़ा ही अच्छा कहा भभूति ने कि गुना पूजा स्थानम गुनीषु न लिंगम न च वयः, गुनीषु पूजा स्थानम गुणम एव भवति। गुणी जनों में, सुधी जनों में पूजनीय गुण ही होता है। व्यक्ति का लिंग और वय नहीं कि आदमी अवस्था विशेष हो गया तो वो अधिकारी हो जाएगा। 5 साल का बच्चा भी अधिकारी हो सकता है, और बूढ़ा आदमी भी अनाधिकारी हो सकता है। सत्संग के लिए अधिकारी कौन, मैं ये आज आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ। शायद आज पहली बार आप सुन रहे हैं कि सत्संग का अधिकारी कौन। सत्संग में हम जाते तो हैं, सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन सत्संग का अधिकारी कौन है। एक प्रसंग मैं कठोपनिषद का आप लोगों के बीच रखूं, उसके बाद मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। कठोपनिषद में एक प्रसंग आता है कि नचिकेता का पिताजी ने यज्ञ किया वर्षवा, और यज्ञ करने के बाद जब दान देने की बारी आई, तो आदमी जब दान देता है तो बाजार से कौन सा कपड़ा लाता है, पॉलिस्टर वाला। किसी को दान देना हो तो जो सबसे रद्दी और घटिया माल है पॉलिस्टर, वो जाकर के बाजार से खरीदता है आदमी। पंडित जी को लोटा दान देते तो कैसा, अपने लोटा खरीदते हैं तो इतना बड़का लोटा लाते हैं पानी पीने के लिए, और जब पंडित जी को दान देना हो तो उंगली भी नहीं घुसे ऐसा लोटा जाकर के आदमी बाजार से लाता है। तो उसके पिताजी ने यज्ञ किया, और यज्ञ में दान देना प्रारंभ किया। जब दान देने की बारी आई तो उसने कहा कि एक काम करो, अब दान ही देना है, हमारा यज्ञ तो पूर्ण हो गया, यज्ञ जो करना था वो तो पूर्ण हो गया, अब तो दान देना है। और दान कैसे वस्तु का दें, का एक काम करो, जो गाय दूध दूह ली गई है निरंद्रिय दुग्ध दोहा, बस अब मरने की स्थिति में है, आज मरेगी कि कल मरेगी, उस गाय को दान देने लगे उसके पिताजी। वहीं उसका 5 साल का बेटा नचिकेता बैठा हुआ था। बच्चे का हृदय तो बड़ा पवित्र होता है, कोमल होता है, वो पात्र था, वो योग्य था। उस 5 साल के बच्चे ने उत्तर दिया कि दान तो प्रिय वस्तु का दिया जाता है, और सबसे प्रिय तो आपका मैं हूँ, मुझे आप किसको दान में दे रहे हैं। माम कस्मै दास्यति इति द्वितीयम तृतीयम चतंग होवाच। उसने एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, पिताजी को आ गया क्रोध। पिताजी ने कहा कि तुमको मैं मृत्यु को दान में देता हूँ, मृत्युए त्वाम ददामिति, मैं तुम्हें मृत्यु को दे रहा हूँ, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। वो 5 साल का बच्चा सोचता है कि अगर मुझे मृत्यु को दान में दिया है तो शायद कुछ न कुछ कार्य मृत्यु का हमसे सिद्ध हो जाए। वो यमराज के दरवाजे पर 5 साल का बच्चा चला गया। कहानी काल्पनिक है, लेकिन समझने का कोशिश करिए कि पात्र कौन है। हम घर से सत्संग तक आ नहीं सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि घर बैठे सुन लेते हैं बाबा जी का प्रवचन, वहीं से ठीक लगता है, ऐसे होगा। सत्संग में भी आते हैं तो बैठने की कला नहीं जानते हैं कि सत्संग में कैसे बैठा जाए। वो 5 साल का बच्चा कहता है कि शायद यमराज का कोई कार्य मुझसे सिद्ध हो जाए। वो यम के दरवाजे पर जाता है, और 3 दिन तक भूखा प्यासा यमराज के दरवाजे पर पड़ा रहता है। और जैसे 4थे दिन जब यमराज लौट करके आता है
और जैसे ही यमराज देखता है कि तीन दिन तक ये भूखा प्यासा दरवाजे पर पड़ा रहा है, यमराज ने कहा कि तृण वरण विनिश्व, तुम योग्य हो, तुम अधिकारी हो, इसलिए तुम तीन वर मांग सकते हो। कहानी लंबी है, फिर तीन वर मांगता है और आत्म तत्व का विवेचन कठोपनिषद में बहुत ही विस्तार से है। कहने का अर्थ ये है कि वो 5 साल का बच्चा अधिकारी बना जिसके जीवन में मोक्ष घटित हो गया, लेकिन हम लोग अधिकारी नहीं बन पाते हैं जिसके कारण से सत्संग हमारे जीवन में सत्संग का ज्ञान घटित नहीं हो पाता है। सत्संग में जाते तो हैं, लेकिन सत्संग को हम अपने जीवन में धारण कैसे करें, उसके लिए हमको अधिकारी बनना पड़ेगा। इसलिए वेदांत शास्त्र में सबसे पहले अधिकारी के लिए विषय में कहा गया कि अधिकारी कौन है, ज्ञान का अधिकारी कौन है, सत्संग का अधिकारी कौन है। हम अधिकारी बने। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। बोलिए सद्गुरुदेव की। बैठ जाइए। मैंने अपनी बात प्रारंभ की थी कि श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यश्च। पहले हम सुने, जब सुनने की कला हमारे अंदर आ जाएगी तब उस पर हम मनन करेंगे और फिर विचार करेंगे जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। सत्संग में हम पहले सुने कैसे, संतों को सुने कैसे, महापुरुषों को सुने कैसे, जब तक हमारे अंदर सुनने की कला नहीं आएगी तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है, तब तक हम विचार नहीं कर सकते। शब्दों को सुने, क्योंकि शास्त्रों में एक शब्द पर भी अगर हम विचार कर लें, एकः शब्दः सम्यक् प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति, एक शब्द को भी अगर हमने समझ लिया, संतों की एक शब्द पर को भी अगर हमने विचार कर लिया, तो यकीन मानिए कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का महापुरुषों का साहचर्य हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो हम महापुरुषों को श्रद्धापूर्वक विनम्रतापूर्वक सुने जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, जिससे हमारे जीवन में बदलाव होगा। और उस जो ज्ञान को हम सुनेंगे वो ज्ञान के अनुकूल, उस ज्ञान के अनुकूल हमारा जीवन होगा। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की।